कुछ ना कहूंगी मेरे लाल हाथ हो जा, मुझे पता बता दे तू कहाँ पे है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। मेरे जतिन मुझे बता दो दे बेटे, ओ मेरे जतिन मुझे बता दे छोटू। नमस्कार साथियों, मैं मनोज अलीगढ़ी और उत्तर प्रदेश के रामपुर में हूँ। अब जब मैं रामपुर आया किसी कार्य से तो साईं विहार विष्णु मंदिर के निकट काफ़ी भीड़ लगी हुई है। महिलाएं, बच्चे और पुरुष खड़े हुए हैं, काफ़ी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मानो कोई कह के गया हो कि मैं अभी कुछ ही घंटों में लौटाऊंगा। लेकिन लगातार 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं और इनका जो बेटा है, इनका लाल है, घर का चिराग है, वो अभी तक नदारद है। आखिर माजरा क्या है ये पूछते हैं और जानते हैं। जतिन की माँ ने बताया कि बेटा गया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, सावन के सोमवार दूसरे सोमवार को गंगा जल लेने गया था। आखिर माजरा क्या है, बात करते हैं मैडम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, बदहवासी क्यों लग रही हैं आप? इतनी तेज गर्मी है और आप काफ़ी परेशान हैं। गर्मी के अलावा क्या माजरा है? मेरा बेटा गया गंगा जल लेने के लिए, संडे की रात को गया था, वो अभी तक नहीं आया है। मुझे देखते देखते आज चौथा तीसरा दिन हो गया आज मुझे, हाँ तीसरा दिन हो गया, देखते देखते सर वो नहीं आया अभी। वो बच्चे शौक में चले गए कि मम्मी हम गंगा जल लेने जा रहे हैं, मैं इनके चले जाओ बेटा। अकेला नहीं था, उसके चचेरे तेरे भाई भी गए थे साथ में, अकेला नहीं था वो, चचेरे तेरे भाइयों के साथ में गया था वो। रविवार की रात को लगभग वो 9 बजे निकला खाना खा के। क्या खिलाया था आपने? क्या खाया था? उसने तुरई और चावल खाए थे रात को। तो जब वो जा रहा था क्या कह के गया था? कह के कुछ ना कहा, मुझसे पैसे ले गया, मम्मी पैसे दे दो, दवाई खा के चला गया था। किस चीज की दवा खाई थी? उसके घुटने में तकलीफ रहती है, थोड़ी दर्द रहता है उसके घुटने में, दर्द रहता है, उसकी दवा खा के गया था वो। कह रही मम्मी मैं सुबह को आ जाऊंगा 4-5 बजे तक। सर कमी कुछ नहीं थी उसके, उसे बहुत ख्याल ऊँचे थे वो, बहुत ऊँचे ख्यालों का था वो, बहुत हर तरक्की करना चाह रहा था वो। कह रहा मम्मी मैं ITI भी करूँगा, मैं बैंक की तैयारी करूँगा। हमने कही बेटे कर ले जो तेरी इच्छा करे वो कर, तो पैसा तो हम लगाएंगे। उसकी इच्छा जो थी वो हमने कराने की कोशिश करी। तो ये पिता सहकारी बैंक में, जो अर्ध सरकारी बैंक है उसमें बतौर मैनेजर की पोस्ट पर है। उनका बच्चे को ढूंढने में हाल बेहाल हो चुका है, परिवार के एक दो लोग नहीं बल्कि दर्जनों लोग घाट पर हैं, घाट पर घूम रहे हैं। ब्रज घाट से लेकर नरोरा तक उन्होंने अपने संबंधियों को, परिवारीजनों को, रिश्तेदारों को लगा दिया है, हर चप्पे चप्पे पर नज़र है। वहीं पर योगी की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो वायदा था वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी, NDRF की टीम भी ढूंढ रही है। लेकिन ये आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? घाट पर नहाने गया था वो, क्या नहाने का समय मुनासिब था या समय गलत था, दिन था या रात था? इसके लिए मैं प्रत्यक्ष दर्शी से बात करूंगा, जो बच्चे का दोस्त था और वो लगातार 2 मोटरसाइकिलों पर गए थे और भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गए कि भगवान शिव को कुछ ही घंटों में प्रसन्न करने की उनकी जो लालसा थी, जो उनकी मर्यादा थी, वो बस थोड़ी सी चूक होते ही, लापरवाही होते ही एक अनहोनी घटना में बदल गई। आइए ले चलते हैं उस प्रत्यक्ष दर्शी को। तो हमारे साथ में जतिन का दोस्त है, भाई है, चचेरा तहेरा, और माजरा जानते हैं आखिर क्या था। बेटा क्या था, कौन कौन लोग गए थे और क्यों गए थे आप लोग? हम लोग जल लेने गए थे, कृष्णा और शिवम और मैं और वो गया था अभय, हम 5 लोग गए थे वहाँ पे जल लेने के लिए गए थे। तो हम यहाँ से निकले थे 9 बजे के टाइम, 9 बजने के टाइम पे हम वहाँ पे पहुँचे 12 बजे के टाइम, 12:50 तक पहुँच गए थे। फिर हमने छोले कुलचे खाए थे, फिर जतिन ने नहीं खाए थे, जतिन मना कर रहा था कि मेरा बर्थ है कि मैं अब छोले कुलचे नहीं खाऊंगा, अब 12 से निकल गया टाइम, अब मेरा बर्थ लग गया। तो उसने छोले कुलचे कुछ नहीं खाया, हम लोगों ने खा लिए। अब वो कह रहे हैं कि घाट पे चलते हैं नहाने के लिए, तो हम घाट से आगे जहाँ अनाउंसमेंट होता उससे थोड़ी आगे गए थे, घाट से मतलब उससे घंटा घर से पीछे, वो नीचे, तो नहाने के लिए गए थे। तो इन लोगों ने
ये लोग कह रहे हैं कि नहाएंगे, तो मैंने बोला पहले मैं नहा लूँगा। तो जब ये कह रहे हैं कि मैं नहाऊँगा, तो मैंने बोला जाओ कि तुम नहाओ और मैं बैग पकड़ लेता हूँ। तो मैंने बैग पकड़ लिया, चारों लोग नहा रहे थे। किसने बैग पकड़े? बैग मैंने ही पकड़ा था। बैग चारों लोग नहाते नहाते ये दोनों आपस में छींटे मारने लगे मुंह पे एक दूसरे के। चारों लोग ये नहा रहे थे। नाम बताओ। कृष्णा और ये जतिन, अभय और शिवम, ये चारों लोग नहाने चले गए और मैं बैग पकड़ा हुआ था वहाँ पे। ये लोग नहा रहे थे सब लोग, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था। इन्होंने सब ने एक एक गोता मारा और फिर दूसरे गोते में मैंने इसको आवाज़ दिया। पापा का फ़ोन आने लगा। इतनी देर में मैं देखने लगा, इन लोगों ने मेरी तरफ को देखा, वो जतिन को पता नहीं चला। जतिन पता नहीं कहाँ चले गया गोते मार। तो जब चारों लोग नहा रहे थे, एक दूसरे पर शीतल पेयजल छिड़क रहे थे, यानी गर्मी भी बहुत थी, भीषण विकराल रूप है गर्मी का, तो बच्चों की सोचा कि आम के आम गुठलियों के दाम, धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। ठंडा ठंडा पानी का जब आनंद ले रहे थे और पहली डुबकी तो बच्चों ने लगा ली परिवार की शांति, कुशलता और तरक्की के लिए, लेकिन जैसे ही दूसरी डुबकी के लिए बच्चा पहुंचा तो वो घंटों तक बाहर नहीं आया। कुछ ऐसा ही था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। फिर आपने क्या कहा? फिर ये इन्होंने बोला कि जतिन नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला जतिन क्यों नहीं मिल रहा? तो ये कह रहे हैं, शिवम कहने लगा कि मजाक कर रहे हो तुम लोग, जतिन क्यों नहीं मिल रहा। तो ये लोग आए और इन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने सीधे सेट उतार के ऐसी जींस की पैंट में कूद गया। ये लोग बाहर आए, मेरा बैग पकड़ा, मैं कूद गया ऐसी। मैं देखने गया बहुत दूर तक तैर के, फिर ये कोई नहीं मिला मुझे, मैं वापसी आ गया। तो उजाला था या अंधेरा था? अंधेरा था, बाकी आगे हल्का अंधेरा था, बाकी इधर को एक ही बल्ब जल रहा था, बाकी अंधेरा ही था सब। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि जो एक आपका साथी डूबा है 15-20 मिनट पहले, उसको ढूंढ के ला सकते हो आप? इस किस इच्छा से कूदे थे पानी में आप? ढूंढने की इच्छा से कूदे थे, अब वो नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं अब। चलिए, प्रयास तो तुमने किया पूरा। और तीनों साथी कहाँ हैं? तीनों साथी खड़े हैं। जो तीनों चारों दोस्त मिलकर गए थे वहाँ पर, एक शीतलता की डुबकी लगाई, अध्यात्म की डुबकी लगाई, लेकिन जब बच्चे का नंबर आया दूसरी डुबकी का, तो वो बाहर नहीं नजर आया। परिवारी जन देख सकते हैं, पीछे एक वृद्ध माता हाथ जोड़े बैठी हुई हैं। ये साथियों, जो भी श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, जिन गंगा के घाटों के किनारे जो भी लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, इस बच्चे की तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही है। जिस भी सज्जन को, पुरुष को, ये बच्चे की फ़ोटो जिस भी रूप में दिखे, कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आ रहे हैं उन पर संपर्क करने की कोशिश करें। बच्चे के पिता माँ काफ़ी हताश और परेशान हैं, बोलने की सुध तक नहीं है कि उन्हें क्या बोल रहा है। मैनेजर साहब से बात करेंगे, उनके पिता हमारे साथ में हैं। जी मैनेजर साहब, जब आपको मालूम पड़ा कि बेटा गायब हो गया है, रात को 2 बजे फ़ोन आया, आपका तुरंत क्या रिएक्शन रहा? बेटे का जब फ़ोन आया, बेटे का नहीं, उनके साथी का फ़ोन आया मेरे पास कि जतिन गायब हो चुका है। तो मैंने इनसे फ़ोन पर संपर्क भी करा, मैंने कहाँ पर है, बोले नहाते नहाते गायब हुआ है। तो तुरंत मैं अपने भाइयों के पास गया और भाइयों के साथ में मैं फिर यहाँ से रवाना हुआ। लगभग 1 बजे 1:30 बजे यहाँ से रवाना हुआ रात को। ब्रजघाट हम पहुँचे 5 बजे सुबह, क्योंकि उस दिन जाम इतना था कि जगह जगह पुलिस लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था, जाने को दे ही नहीं रहा था। बेटे का हवाला दे के वहाँ तक पहुँचा मैं। जब वहाँ देखा तो उस दिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुनी थी, क्योंकि महिला इतना तगड़ा था कि आदमी को आदमी नहीं पहचान पा रहा था वहाँ पर। फिर वहाँ मेरा एक भाई गया जो मोहल्ले का सभासद है, तो उसने कुछ राजनीति का भी दबाव डलवा करके फिर प्रशासन हमारे साथ खड़ा हुआ। और तब से लेकर आज तक बेटे को ढूंढ रहे हैं, बेटे का कहीं कोई पता नहीं है। हर जगह नाव जा रही है, फौज पुलिस जा रही है साथ में, लेकिन बेटे का मेरे कहीं पता नहीं है। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, कल 4th दिन लग जाएगा, लेकिन बच्चे का मेरे कहीं पता नहीं चल पा रहा है। प्रयास यही करूँगा कि मेरे जिस साथी जो भी देख रहे हैं इसको, मेरा बेटा का जहाँ भी मिल जाए मुझ तक पहुँचाने की कृपा करें। नंबर भी है, फोटो भी है, मेरे बेटे को मुझ तक पहुँचाने की कृपा करें। अब बेटे बिना बहुत टूट चुका हूँ, 20 साल का बड़ा बड़ा बच्चा है मेरा, समझे। नाराज नहीं था वो, नाराज नहीं था वो, कह के गया था, वो प्यार से कहता था मुझसे, कभी मेरे पिता का नाम लेके कहता था कि बाकी की लड़की धरा, वो मुझसे प्यार से कहता था। कहीं मैं कहता बहन क्या बना रही है, वो नाराज नहीं रहता था, वो बस हंसी हंसी मजाक करता था वो।
कभी नाराज नहीं रहता। देख सकते हैं अलीगढ़ हाथरस के सिकंदर राव में एक धार्मिक सत्संग के दौरान जो घटना हुई, काफ़ी दर्द भरी घटना थी जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी चूंकि धर्म का मामला है कुछ बोलना बेहतर नहीं होगा, लेकिन रात के 12 बजे गंगा घाट में डुबकी लगाना भी बेहतर नहीं है, शोर शराबे के साथ हजारों की भीड़ में भी जाना बेहतर नहीं है। शिक्षित रहिए, आगे बढ़िए, और जब आप शिक्षित रहेंगे तो बहुत सारी जो आपकी मनोकामना है वो शिक्षा के माध्यम से ही पूरी हो पाएंगी। जल लाना, जल चढ़ाना, ठीक है वो एक आध्यात्मिक मार्ग हो सकता है, पूर्वजों ने बताया होगा, लेकिन आखिर ऐसा भी क्या धार्मिक मार्ग जिसमें अपने ही अपनों के लिए तड़पते रहें और कई दिनों तक ढूंढते रहें। साथियों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी युवा हमारे बीच में हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार अलीगढ़ के प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है दुर्घटना में कांवर लेते हुए कई बच्चों की मौत हो रही है, कई लोग डूब भी रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं सतर्क हो रहे हैं आप लोग। और ये परिवारीजन काफ़ी बदहवास हैं, अपने बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी श्रोता और दर्शक इस बच्चे का फोटो देख रहे हैं, बेटा किस क्लास में पढ़ता था बच्चा, थोड़ा नाम फाम बताती रहो, बोलती रहो। जतिन ने इंटर कर लिया था, बीए कर लिया था, कोर्स मुरादाबाद कोचिंग करने जाते थे, कोचिंग करने जाता था मुरादाबाद, सीए की कोचिंग कर लिया था वो मुरादाबाद से, रोज़ जाता रोज़ आता था कोचिंग।